भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम में कलियुग के लक्षणों का वर्णन है और अगर आप गहराई के साथ भागवतम के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय को पढ़ोगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कि व्यासदेव जी ने इसकी रचना कल या परसों की हो। आज मैं पढ़ रहा था यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के विषय में। आप जानते हो यूनाइटेड नेशंस क्या है? विश्व की सभा, जिसका मूल उद्देश्य है कि विश्व में शांति स्थापित करना। और शांति के बजाय हर कोने में क्या दिखते हो? अशांति। तो यूनाइटेड नेशंस की एक नई रिपोर्ट ने कहा है कि भारत के अंदर, ऐसे तो पूरे विश्व के विश्व में कहा है, भारत के अंदर, ये रिपोर्ट मेरे सामने है, आप शायद देख रहे होंगे कि मैं ये अखबार क्यों साथ लाया हूँ। तो ये इसमें आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में ये रिपोर्ट छपी है। 18 साल के अंदर भारत में 50% पानी कम हो जाएगा पीने के लिए। कितना? और अगर आप ध्यान से देखो तो आज भी देखा जाए पानी की कमी है कि नहीं? आज तो आपको पीने का पानी भी खरीदना पड़ता है। तो और ये जो रिपोर्ट है कोई हरे कृष्णा वालों की नहीं है, ये है भौतिक विज्ञानियों की। जैसे आज सुबह बारिश आई थी, साथ में आंधी भी। पिछले को 10 दिन पहले भी बारिश आई थी। इससे पहले पिछले 100 सालों में कभी आपने इस समय में बारिश का अनुभव की थी? सच बोलिए। सुबह तेजी से आंधी भी आई थी। तो आज आप देख रहे हो क्या सारे विश्व में जो मौसम का प्रभाव है बहुत तेजी से बदल रहा है। जो भौतिक विज्ञानी हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, आप समझ रहे हो? ग्लोबल वार्मिंग। जो भौतिक विज्ञानी हैं वो भी कह रहे हैं कि हमने सपना भी नहीं देखा था कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव इतना तेज आएगा। पहले 2, 3, 5 साल पहले विज्ञानी कह रहे थे ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव मौसम पर गिरेगा 150-200 साल तक। तो लोग कह रहे थे चलते जाओ, 200 साल बाद किसने देखा क्या होगा। अब वो कह रहे हैं कि इसका प्रभाव इतनी तेजी से आ रहा है कि जो चीज उन्होंने सोचा था 200 साल बाद परिणाम होगा, वो कष्ट आपको जल्द अनुभव करना पड़ेगा। तो ये कहा गया है कि 18 साल में भारत में पीने का पानी और 50% कम हो जाएगा। अगर आज आप भर देते हो 12 रुपए बॉटल, क्या बिस्लरी का, तो 18 साल ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप उम्मीद कर सकते हो शायद 100 रुपये बॉटल आपको खरीदना पड़ेगा और 18 साल आगे। ये भी कहा गया कि 18 साल 20 साल के बाद जो अन्न का उत्पादन है भारत में, ये 50% कम हो जाएगा, क्योंकि जो दरिया हैं उनका लेवल बढ़ते जा रहा है। कई शहर जो सागर के पास है वो तो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। कहा गया कि एशिया में अरबों लोगों के पास, अरबों लोगों का ग्लोबल वार्मिंग के कारण देहांत होगा और रहने का ठिकाना नहीं होगा और कोई धंधा वगैरह नहीं। तो ये सब जो हो रहा है इसका कारण क्या है? कारण संक्षेप में यह है कि हम इस पृथ्वी पर पाप का बोझ इतना बढ़ा रहे हैं, हम धर्म से इतना दूर जा रहे हैं कि आज इसका आपको परिणाम भुगतना पड़ रहा है। भगवद्गीता में 3रे अध्याय में भगवान कहते हैं अनादि भूतानि प्रज अन्न संभव, अन्न की प्राप्ति होती है। कैसे? वर्षा के कारण वर्षा की प्राप्ति होती है जब आप धर्म का पालन करो। भगवद्गीता में ही भगवान कहते हैं माया दक्षिण प्रकृति सुईते सा चरा चरा। ये जो प्रकृति है किसके इशारे से चल रही? मेरे इशारे से। तो भागवतम के 12वें स्कंद में शुक्रदेव गोस्वामी जी ने बड़े गहराई के साथ कलियुग के लक्षणों का वर्णन किया है। पूरे सब श्लोकों के चरण की चर्चा करने का तो समय नहीं है, पर जहाँ तक हो सकता है प्रयास करेंगे कम से कम एक प्रसिद्ध श्लोक के ऊपर चर्चा करने के लिए। ये श्लोक है 12वें स्कंद का दूसरे अध्याय का पहला श्लोक, शायद बोर्ड में लिखा हुआ है। हाँ, अब मेरे पास उच्चारण कर सकते हो। सत्यम शोचम क्षमा भया बलीना राजन पुनक्षलम स्मृति। अनुवाद इस प्रकार से है। शुक्रदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, तब कलयुग के प्रबल प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन घटते जाएगी। तो इसका उच्चारण कब किया था? 5000 साल पूर्व। तो शुक्रदेव गोस्वामी भागवतम के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में बड़े गहराई के साथ कलियुग के अनेक लक्षणों की चर्चा करते हैं। तो यहाँ शुक्रदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कलियुग के हर प्रतिदिन बीतने के साथ क्या कम होते जाएगा? धर्म के प्रबल प्रभाव से धर्म। आप कहोगे धर्म कम कहाँ हो रहा है? कई बार जब हम हिंदू भाई बहनों को कहते हैं, वो कहते हैं कि आजकल तो धर्म की बहुत जागृति हो रही है, टीवी चैनल में भी आप धार्मिक कार्यक्रमों को देख सकते हो। वो देखा जाए ध्यान से शुद्ध धर्म का प्रचार या पालन बहुत कम संख्या में हो रहा है। धर्म का अर्थ है भगवान की वाणी। इस विषय पर भागवतम के 6ठे स्कंद में चर्चा हुई थी, यामदूत और विष्णुदूत बीच में। आप 6ठे स्कंद में प्राचीन कथा पढ़ते हो, जिसे आप अजामिल की कथा के नाम से जानते हो। अजामिल का जन्म हुआ था धार्मिक खानदान में। धार्मिक पत्नी थी, माता पिता थे, पर बुरी संगत में गिरकर उसका चरित्र गिर गया था। पर एक गुण था उसमें कि उसने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम रखा था नारायण, और सबसे छोटे बेटे के प्रति बड़ा गहरा आकर्षण था। तो यामदूत किसे कहते हैं? यामराज जी के प्रतिनिधि, जो कि हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। जैसे आप बैंक में अकाउंट खोलते हो, जब पैसा जोड़ो या निकालो तो वो बुक जो टेलर है उसको नोट करता है। आजकल तो कंप्यूटर करता है। तो इसी प्रकार यामना जी सब कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। और यामना जी ने 3 भयंकर रूपी प्रतिनिधियों को भेजा था अजामिल को नरक में लाने के लिए, सजा भुगतने के लिए। और अजामिल ने जब इन्हें देखा तो घबरा कर नारायण शब्द को पुकारा। पुकारा था असल में छोटे पुत्र का नाम, पर नारायण शब्द को पुकारते ही वहां विष्णुदूत जी पहुंच गए। और विष्णुदूत और यामदूतों के बीच में बड़ा अच्छा वार्तालाप हुआ। यहाँ की विष्णुदूतों ने पूछा यामदूतों से, अब बताओ धर्म कहाँ प्राप्त हो? तो उन्होंने कहा कि धर्म का अर्थ है भगवान की वाणी। तो अगर ध्यान से देखा जाए, सत्य रूप से भगवान की वाणी का पालन बहुत कम लोग आज कर रहे हैं कलयुग में। और दिन पर दिन ये और भी कम होते जा रहा है। उल्टा कलयुग में आप देखते हो कि नर धर्म के नाम पर अधर्म का प्रभाव बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हर दिन के बीतने के साथ दिन प्रतिदिन धर्म का जो पालन है कम होते जाएगा। आगे सत्यता अगर देखा जाए धर्म का पालन भी हम करते भी हैं तो सत्य रूप से नहीं करते। धर्म के 4 महत्वपूर्ण अंग हैं जिनमें एक है सत्यता। सत्यता का एक अर्थ यह है कि आप भगवान की वाणी को का पालन करो यथा रूप, ये सत्य रूप से। दूसरा, वैष्णव के साथ भी व्यवहार रखो सत्य पर आधारित, और साधारण समाज में भी सत्य का पालन करो। पर आज आप क्या देखते हो, नाम धर्म को स्वीकार करते हैं सत्य रूप से, धर्म का स्वीकार भी करते हैं, साथ में अपने भाव अर्थ को जोड़ देते हैं। तो शुक्रदेव गोस्वामी जी का कहना है कि सत्य का पालन दिन पर दिन कम होते जाएगा। आप देखते हो कि अगर आपने कुछ एग्रीमेंट भी किया हो स्टैम्प पेपर में भी उसकी कुछ कदर रहती है। आज के जमाने में कुछ कदर नहीं रहती है कि नहीं। लोग कोर्ट में जाते हैं, भगवद्गीता बाइबल के ऊपर वादा करते हैं कि हम बोलेंगे सत्य बोलेंगे, और क्या गवाही देते हैं, झूठ है कि नहीं। तो आज इसकी कोई कदर ही नहीं। क्या आप धार्मिक ग्रंथ को के ऊपर कोई वचन कुछ और सत्य बोलने का की जिम्मेदारी उठा रहे हो। फिर पवित्रता, प्रभुपाद जी कहते थे पवित्रता इज द प्योरिटी इज द फोर्स। कहा गया है कि भगवान के प्रचार के लिए सबसे आवश्यक गुण क्या है, पवित्रता। पवित्रता का अर्थ है कि आप भगवान, परंपरा, गुरु के आदेश का पालन कर रहे हो, जिसके द्वारा अशुद्ध मन और इंद्रियां पवित्र बन पाएंगे। कई बार लोग सोचते हैं इन सब नियमों की क्या आवश्यकता, हमें तो ऐसा धर्म चाहिए जहाँ की पूरी छूट हो। पर इन नियमों की आवश्यकता क्या है, इन नियमों के पालन से ही आप पवित्रता प्राप्त कर सकते हो, और पवित्रता के द्वारा शक्ति प्राप्त होती है भगवान के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए। पर कलयुग में आप क्या देखते हो, दिन प्रतिदिन जो पवित्रता है उसका जो पालन है बिल्कुल दिन पर दिन कम होते जा रहा है। पर आध्यात्मिक जीवन के लिए पवित्रता की आवश्यकता है अगर आप परम भगवान को भी समझना चाहते हो। अर्जुन ने भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए क्या कहा, परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमं भवम। आप जो हो सबसे पवित्र हो। तो अगर आप उस पवित्र व्यक्ति को समझना चाहो तो आपको भी पवित्र बनना पड़ेगा। आपकी आंखें ठीक हैं तो ही आपको देखेगा, कैटरेक्ट हो जाए तो कहाँ देखेगा। आपको ऊंचा बुखार है तो चाहे कितना भी अच्छा कोई भोजन दे आपको उसका टेस्ट आएगा नहीं आएगा। तो इसीलिए पवित्रता की आवश्यकता है, और इस विषय पर भगवान ने बल दिया है भगवद गीता में। तो यहाँ कहा जा रहा है शुक्रदेव गोस्वामी के द्वारा कि दिन प्रतिदिन धर्म के साथ, सत्यता के साथ पवित्रता का भी प्रभाव है कम होते जाएगा। आगे क्षमा और दया, ये भी दिन प्रतिदिन कम होते जाएगा। आप भागवतम में पढ़ते हो कि कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति पर युधिष्ठिर महाराज के हृदय में इतना गहरा शोक था कि मेरे कारण मुझे राजगद्दी देने के लिए इतने करोड़ों लोग मारे गए, और अगर वो चाहते तो कुरुक्षेत्र के युद्ध की समाप्ति पर बड़े आसानी से धृतराष्ट्र को सजा दे सकते थे, फांसी की सजा भी दे सकते थे। आखिर धृतराष्ट्र ने क्या नहीं किया था पांडव भाइयों का वध करने के लिए। उन्हें जहर खिलाई और अनेक और कठिन परिस्थितियों में डाला। तो युधिष्ठिर और उनके भाई चाहते तो कह सकते थे, जब हम निर्दोष बालक थे तुमने क्या नहीं किया हमें खत्म करने के लिए। अब ताकत हमारे हाथ में आई है, हम तुम्हें फांसी चढ़ा देंगे। पर उल्टा युधिष्ठिर ने क्या कहा, उनके हृदय में शोक था कि मेरे कारण इतने लोग मारे गए। और युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को क्या एक बड़ा अच्छा महल दिया रहने के लिए। अंदाजा लगाओ, क्षमा की भावना देखो, महल दिया रहने के लिए, हर प्रकार की सुविधा दी। इतनी सुविधा दी क्योंकि भाई विदुरा जब आए उन्होंने देखा कि मेरा भाई जो पैदाइशी अंधा है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था, आज उनके भतीजे की कृपा से इतने आराम से रह रहे हैं। फिर विदुरा के शब्दों को, उपदेश को सुनकर धृतराष्ट्र ने वो सुविधा को त्यागा और आगे बढ़े पहाड़ों की ओर। तो ये उदाहरण क्या है, युधिष्ठिर का क्षमा का। आज आप ये उम्मीद कर सकते हो नहीं, आज तो जैसे मौका मिले, आज तो हमारा सिद्धांत है नेले पे डला। अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो तुम दो मारो। आगे दया, दया कहाँ है आज लोगों में। जैसे कि निर्दोष पशु, उनको हम मारते हैं जुबान के चस्के के लिए, है कि नहीं। और क्या कारण है, आप क्या मांस के बिना रह नहीं सकते, बड़े आसानी से रह सकते हो। उल्टा मांस खाने से शरीर में बीमारियां बढ़ती हैं। ये केवल हमारा कहना नहीं, आपके वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि मांस खाने से शरीर की रोग पीड़ा जो है वो बढ़ता ही है। पर आज कहाँ है दया की भावना। हम धर्म के नाम पर पशुओं पर अत्याचार करते हैं क्योंकि दया की भावना नहीं है। माताएं बच्चों को गर्भपात के द्वारा उनका वध कर देती हैं और हम दया की जो भावना है बिल्कुल नहीं है। और दिन पे दिन तेजी के साथ कम होते जा रही है। साधु के लिए तो कहा गया है उसमें दया की भावना होनी चाहिए। और साधु जो है ये मानता है कि असली दया अगर करना है किसी पर तो उनको ऐसा सिद्धांत दो जिसके द्वारा वो पाप के कार्य से बचकर परम भगवान के शरणगत हो सके। इसलिए कहा गया है सबसे ऊंची प्रकार की दया क्या है, लोगों को भगवान का नाम देना, भगवान का ज्ञान देना, भगवान के विषय में शिक्षा देना। कई बार लोग कहते हैं आप हरे कृष्ण वाले मंदिर बनाते हो, ठाकुर जी की पूजा कर रहे हो, पर गरीबों के लिए कुछ करो ना। तो गरीब कौन है, साधारण भाषा में हम गरीब उसे मानते हैं जिसके पास रहने के लिए अच्छा स्थान नहीं हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हो, जो सड़क पे घूमता है कि नहीं। और हम धनी किसे मानते हैं, जिसकी पंजाबी बाग में कोठी हो, बड़े और नौकर चाकर हो, मोटर वगैरह हो, है ना। तो हम कहते ये तो बड़ा सौभाग्यशाली, ये बेचारा गरीब है। तो शास्त्रों की दृष्टि से असली धनी व्यक्ति कौन है, जो भगवान के शरणगत होने का प्रयास कर रहा है। और गरीब या अनाथ व्यक्ति कौन है, जो भगवान की शिक्षा से स्वतंत्र इस जीवन को बिताने का प्रयास कर रहा है। वामनदेव जी कहते हैं भागवतम के 8वें स्कंद में, आप वामनदेव और बाली महाराज की कथा पढ़ते हो, यहाँ की आप देखते हो कि जब वामनदेव जी आए बाली महाराज की यज्ञशाला में तो बाली महाराज ने उनसे पूछा आप इतने सुंदर ब्राह्मण बालक हो, मांगो कुछ मेरे से, मैं तुम्हारी कुछ सेवा करना चाहता हूं। तो वामन देव जी ने कहा कि अगर आप मुझे कुछ देना चाहते ही हो तो उतना स्थान दो जहां कि मैं कितने कदम रख सकूं, 3 कदम। तो भाली महाराज ने सोचा ये तो ज्यादा समझदार नहीं दिखता, इतने बड़े व्यक्ति के पास आकर इतना छोटा स्थान पे मांगे। उन्होंने कहा और मांगो मेरे से कुछ, ये तो कुछ भी नहीं है। तो वामन देव जी ने कहा कि जिस व्यक्ति ने मन और इंद्रियों पर वश नहीं किया, उसे अगर आप सारे विश्व का धन दोगे तो भी वो संतोष नहीं रहेगा। और जिसने मन और इंद्रियों पर वश प्राप्त कर लिया वो हर स्थिति में संतुष्ट रहेगा। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में जुड़ता है वो मन और इंद्रियों को वश में कर पाता है। जैसे मैं आपको कह रहा था, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, अन्न का उत्पादन कम हो जाएगा, पानी की प्राप्ति कम हो जाएगी। तो ये सब जो आज आप समाज में देख रहे हो, आप आपके दिल्ली में देखते हो कि दिन पे दिन नई मोटरें आ रही हैं, है ना, और दिन पे दिन अनेक प्रकार की भौतिक सुविधाएं भी हमें समाज में प्राप्त हो रही हैं। पर इन सब के द्वारा क्या आपको लाभ पहुंच रहा है? अगर आप ध्यान से देखो, समाज विश्व में बीमारियां तेजी से बढ़ते जा रही हैं और मेंटल स्ट्रेस, मन की चिंता, मन पर जो बाहर है वो बोझ है, तेजी से बढ़ते जा रहा है। मैं पढ़ रहा था कुछ दिन पहले कि भारत के नौजवान के विषय में कहा गया है कि और 10 साल में 60% जो भारत के युवक हैं 35 साल से कम, 60% को हार्ट अटैक होएगा। क्योंकि बूढ़ों को नहीं, पहले तो हार्ट अटैक होता था बूढ़ों को, है ना, अब डायबिटीज, हार्ट अटैक, ये सब किसको हो रहा है? जवानों को हो रहा है। तो इसका कारण क्या है? कारण बड़ा सरल है, हमें चाहिए ऊंचा जीवन। जितनी अच्छी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप बेईमानी करो, जेब काटो किसी का, या जो भी कर सकते करो, पर हमें किसी न किसी रूप से ऊंची हर प्रकार की सुविधा चाहिए। तो इसे कहा जाता है ऊंचा जीवन, सादा विचार, हाई लिविंग, सिंपल थिंकिंग। रहना चाहते हो राजा जैसे, सोचना चाहते हो पशु जैसे। क्यों? पशु क्या सोच पाते हैं? हाँ, निद्रिय, इंद्रिय तृप्ति के अलावा पशु कुछ सोच नहीं सकता। और संतों का कहना है कि हमारा सिद्धांत होना चाहिए सादा जीवन और ऊंचा विचार। ऊंचा विचार का अर्थ है ये समझना कि जीवन के लक्ष्य को आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। जैसे आप सब जो जुड़े हो पंजाबी बाग केंद्र के साथ या इस्कॉन के किसी भी केंद्र के साथ, आप सब बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि आप ये स्वीकार कर रहे हो क्या कि भगवान की शिक्षा की आवश्यकता है अगर हम जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। तो दिन पे दिन जो दया की भावना है वो दिन पे दिन क्या कम होते जा रही है। आगे आयु तो और आगे शारीरिक तथा स्मरण की शक्ति। चाहे हमारे वैज्ञानिक हमें ये विश्वास दिलाएं कि आयु लोगों की बढ़ते जा रही है, आज आप देख सकते हो कि अगर आप जीते भी हो थोड़ी देर ज्यादा, उसके साथ अनेक बीमारियों को भी साथ भुगतना पड़ता है। और शारीरिक तथा स्मरण की शक्ति, आज हमारी स्मरण की शक्ति तो इतनी कमजोर हो गई है कि हर चीज आपको लिखना पड़ता है। सच बात है, आजकल आपको लिखना पड़ता है, नहीं तो लैपटॉप, नहीं तो पाम टॉप, है ना, हर चीज आजकल लिखना पड़ता है, जन्मदिन क्या है, अपॉइंटमेंट क्या है, क्योंकि हमारी स्मरण की शक्ति जो है बिल्कुल नष्ट हो गई है। तो शुक्रदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं दिन प्रतिदिन ये सब लक्षण जो हैं, ये सब गुण जो हैं, दिन प्रतिदिन क्या होगा? दिन पे दिन कम होते जाएगा। आगे शुक्रदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर किसी के पास धन है तो लोग मानेंगे वो बड़ा जेंटलमैन है, बड़ा उसे समाज में इज्जत मिलेगी और न्याय भी आपको चाहिए तो केवल जब प्राप्त होगा अगर आपके पास क्या है धन। ये सच है कि नहीं? आज के जमाने में अगर आपका पड़ोसी के पास बड़ी कोठी है, 4-5 मोटरे हैं, आप क्या देखते हैं उसका चरित्र क्या है, कैसे प्राप्त कर रहे हैं? आप तो कह रहे हनी लगती है और फिर हम सब उसको सलाम करते हैं। तो ये भागवत में कहा गया है कि धन के माध्यम से एक व्यक्ति समाज में स्थान प्राप्त करे और आगे क्या और न्याय प्राप्त होगा। कैसे? धन पर आधारित। जैसे आप देखते हो आज के जमाने में अगर आपको कोर्ट में जीतना केस तो आपको कोई महंगा वकील लेना पड़ता है। हाँ, कई महंगे वकील तो 2 लाख रुपए लेते हैं 2 मिनट के लिए, पर उनकी कुछ कदर होएगी तो ही ले पाते इतना धन। तो ये भागवत में कहा गया था क्या कि कलियुग में ये होगी स्थिति। आगे कहा गया है कि पुरुष और स्त्री जिएंगे एक साथ, उन्हें कोई भौतिक सुख प्राप्त हो रहा हो एक दूसरे से, और जैसे ही ये प्राप्त नहीं हो क्या हो जाएगा? तलाक हो जाएगा। क्या वो भी समाज में देखते हो? आजकल भारत के शहरों में भी तलाक वगैरह तेजी के साथ बढ़ते जा रहा है। और अगर किसी ने एक जेनू पहन लिया तो ब्राह्मण कहलाएगा। व्यक्ति ब्राह्मण बनता है कर्मों पर आधारित। जैसे कि भगवद्गीता के 4th अध्याय में भगवान कहते हैं चतुर्वर्ण माया श्रेष्ठम गुना कर्म विभाग सहा, कि गुणों के आधार पर यह निर्णय किया जाता है कौन है ब्राह्मण, कौन है क्षत्रिय, कौन है वैश्य, कौन है शूद्र। पर आज कलियुग का क्या लक्षण है? आपने जेनू पहना हुआ हो तो आप ब्राह्मण कहलाओगे। पर असल में ब्राह्मण हम बनते हैं गुणों पर आधारित, और ब्राह्मणों के क्या गुण होने चाहिए उसके विषय में भी भगवद गीता के 18वें अध्याय में बड़े गहराई से इसका वर्णन है। तो श्रीमद् भागवतम जो है इस सबसे उत्तम ग्रंथ है, और श्रीमद् भागवतम में कलियुग के लक्षणों का वर्णन दिया है बड़े गहराई के साथ। इसी श्रीमद् भागवतम में शुक्रदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने पूछा था कि ये बताइए कि कलियुग में किस प्रकार लोगों का उद्धार होगा, क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं वो समाज के शुभ चिंतक रहते हैं, तो उनके मन में सदा ये भाव रहता है किस प्रकार इन बद्ध जीवों का हम उद्धार कर सके। तो परीक्षित महाराज का प्रश्न क्या था? ये बताइए कि किस प्रकार कलियुग में लोगों का उद्धार होगा, जिसके विषय में शुक्रदेव गोस्वामी ने कहा कले दोषे निराजन अस्ति एक महागणा कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संघर्ष प्रभु जाए। शुक्रदेव गोस्वामी जी ने कहा कि ये कलियुग में दोष ही दोष है, पर एक गुण है इस कलियुग में, क्या है? कृष्णा का कीर्तन। कृष्ण का कीर्तन। और चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कि हे भगवान, आपने अपने नामों में पूरी शक्ति डाली है, पर मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि मैं इसका लाभ नहीं उठा पा रहा। चैतन्य महाप्रभु जी तो स्वयं भगवान है, इस विषय में कोई शक नहीं। भागवतम में भी इसका प्रमाण है कि भगवान अवतारित होंगे गुप्त अवतार के रूप में या छुपे हुए ढके हुए अवतार के रूप में, पर महाप्रभु जी प्रकट हुए थे भक्त के रूप में। महाप्रभु ने क्या कहा? हे भगवान, आपने अपने नामों में पूरी शक्ति डाली है, और मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ क्या कि मैं आपके नामों के प्रति आकर्षित ही नहीं हो रहा। तो फिर गोस्वामी ने कहा परीक्षित ब्राह्मण के प्रश्न के उत्तर में कि कलयुग में दोष ही दोष पर एक गुण है, क्या है? ये कृष्ण का कीर्तन। हमारी परंपरा में एक महान संत थे जिनका नाम था ठाकुर भक्तिविनोद। वैसे तो महान आचार्य थे और भौतिक दृष्टि से बहुत पड़े हुए थे। वो अपने समय में वो पूरे शहर के मैजिस्ट्रेट थे और अंग्रेजों के जमाने में उसे ज्यादा पद, उसे ऊंचा पद भारतीयों को नहीं दिया जाता था। और भक्तिविनोद ठाकुर हालांकि गृहस्थ आश्रम में थे, उन्होंने अपने सारे बच्चों को भी शुद्ध भक्त बनाया और लगभग 100 ग्रंथों की रचना की उन्होंने। कितने? 100 ग्रंथों की। इसके अलावा 100 से ज्यादा प्रार्थनाएं की रचना की। जैसे हम लोग ये प्रवचन देने से पहले भजन गाते हैं, जय राधा माधव कुंज बिहारी, आप भी गाते हो घर में, इसकी रचना भी ठाकुर भक्तिविनोद ने की है। फिर हम लोग गौर आरती गाते हैं, उसकी रचना भी ठाकुर भक्तिविनोद जी ने की है। यशोमती नन्ना भजन गाते हैं, उसकी रचना भी ठाकुर भक्तिविनोद जी की है। तो उन्होंने हमें अनेक सुंदर रचनाएं दी हैं। तो एक प्रार्थना में वो कहते हैं, सुख में हो या दुख में हो हरि नाम को जरूर स्वीकार करो। अक्सर आप देखते हो कि जब हम सुखी हो तो हम भगवान को सरलता से भूल जाते हैं। सच है कि झूठ? सच है। चैतन्य चरितमृत में एक श्लोक है, कृष्णा सूर्य समा माया हयाधिकारा, यहाँ कृष्ण ताहिनी मायाधिकारा। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, जैसे कि जहां रोशनी है वहां अंधेरापन का प्रभाव नहीं रहता, उसी प्रकार जहां कृष्णा है वहां माया का प्रभाव नहीं रहेगा। तभी हम जैसे आप जब अंधेरेपन में थे, बिजली नहीं थी, थोड़े मिनटों के लिए आप एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे, आप रोशनी के कारण बड़े आसानी से देख सकते हो। उसी प्रकार अगर आप कृष्ण भगवान की शरण लो तो आप हर चीज को ठीक दृष्टि से देख सकोगे। अगर आपके पास कोई सुविधा है तो आप ये सोचोगे, अरे ये तो भारी बोझा है मेरे सिर पर, मुझे इसका इस्तेमाल करने दो भगवान की सेवा में। अगर आपके पास कोई कला है तो आप सोचोगे, मुझे इस कला का उपयोग करने दो, क्या? भगवान की सेवा में। तो मैं आपको कह रहा था ठाकुर भक्तिविनोद जी की एक रचना के विषय में, जिसमें वो कहते हैं सुख में और दुख में दोनों ही परिस्थितियों में क्या करो? हरि का नाम। तो मैं कह रहा था आपको कि अक्सर सुख की स्थिति में हम भगवान को सरलता से भूल जाते हैं और दुख की स्थिति में भगवान का स्मरण करते हैं, अगर हमारा सौभाग्य हो। कुंती महारानी की प्रार्थना आपको भागवतम के 1 स्कंद में प्राप्त होता है और कुंती महारानी ये कहती हैं, विपादु संतु तहा सश्वर, हे भगवान आज मेरे कष्टों को बढ़ाओ। अभी ऐसी प्रार्थना कोई करता है? सच बोलो। आप क्या राधिका रमन जी के पास जाकर कहते हो कष्टों को बढ़ाओ? आप तो कहते हो कि अभी मैंने 10 रुपए चढ़ाया, 10,000 मिलना चाहिए। और कुंती महारानी जी कहती है मेरे कष्टों को बढ़ाओ। क्यों? आगे कहती हैं कि जितना आप कष्टों को बढ़ाते हो उतनी ही ज्यादा मैं आपके चरण कमलों का स्मरण करती हूँ, और जितना ज्यादा मैं आपके चरण कमलों का स्मरण करूंगी उतनी ही जल्दी मुझे क्या प्राप्त होगा? जन्म मृत्यु के मृत्यु से छुटकारा। तो ठाकुर भक्तिविनोद जी कह रहे हैं सुख में दुख में दोनों ही परिस्थितियों में क्या करो? हरि नाम का उच्चारण। आगे कहते हैं, गृह थाको वाणी थाको सदा हरि भोले थाको, चाहे आप गृहस्थ आश्रम में हो या ब्रह्मचारी या सन्यासी। ये नहीं कि आप गृहस्थ आश्रम में हो तो आपको पूरी छूट है, जो करना करो। कई बार हमारे हिंदुस्तान में गृहस्थ भक्त कहते हैं, गृहस्थ लोग कहते हैं हम तो गृहस्थ आश्रम में हैं, इस आश्रम में पूरी छूट है। भगवान जब कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो यह आदेश भगवान किसको दे रहे हैं? हरि सिर्फ सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को? हाँ नहीं, पूरे मानव समाज को। तो ठाकुर भक्तिविनोद जी का कहना है सुख में दुख में क्या करो? हरि नाम का उच्चारण करो। वो कहते हैं जीव जागो घोड़ा चंद्र बोले। ठाकुर चैतन्य महाप्रभु जी हम सबको जगाने के लिए आए हैं। वो कह रहे जागो, तुम माया की गोद में इतनी देर से सो रहे हो। अनेक योनियों में हम सब गुजर बैठे हैं और 84 लाख योनियों में गुजरने के पश्चात क्या प्राप्त होता है? मनमानव ले। तो अब अंदाजा लगाओ कि माया की गोद में कब से आप सो रहे हो। और ठाकुर भक्तिविनोद जी कहते हैं निकलो। वो कहते हैं कौन है तुम्हारा असली मित्र? अमी बिना के आचेज, मैं हूं तुम्हारा असली बंधु मित्र। आपका असली मित्र कौन है? जो कि आपका सहयोग देना चाहता है भगवान के शरणागत होने के लिए। हम हमेशा हमारे गृहस्थ भक्तों से निवेदन करते हैं कि आप अपने घरों का उपयोग करो भगवान का प्रचार करने के लिए। भगवान का प्रचार हम घरों में करते हैं नामहत कार्यक्रम के द्वारा, भक्ति वृक्षा के द्वारा। भक्ति वृक्षा कार्यक्रम और नामहत में क्या अंतर है? नामहत में 30, 40, 50 भक्त इकट्ठा आते हैं, मिलते हैं, कीर्तन होता है, प्रवचन होता है, प्रश्न उत्तर होते हैं। पर भक्ति वृक्षा के द्वारा 8-9 भक्त छोटे ग्रुप में मिलते हैं एक लीडर के साथ। वो बड़े गहराई से शास्त्रों को पढ़ते हैं। आप हैरान होंगे सुनकर शायद कि एक मस्कट कितना बड़ा देश है, छोटा देश है ना। तो मस्कट जैसे देश में कोई 400 भक्ति वृक्षा के ग्रुप है, मतलब छोटे देश में 400 भक्ति वृक्षा के ग्रुप है जो कि हर हफ्ते मिलते हैं 8-9 भक्त एक साथ। और वो क्या करते हैं? बैठकर गीता को डिस्कस करते हैं, प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। तो इसमें क्या आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है। नामहत ग्रुप में आध्यात्मिक ज्ञान इतनी तेजी से नहीं बढ़ता। एक आदमी प्रवचन देता है और दूसरे सुनते हैं, आधे सोते हैं और इतने गहराई से वो शास्त्र को नहीं पढ़ते। पर भक्ति वृक्षा में छोटे छोटे ग्रुप में बैठकर लोग शास्त्र पढ़ते हैं, कीर्तन भी करते हैं पर कम, ज्यादा शास्त्र पढ़ते हैं। तो शास्त्र को पढ़ने से हमारी आध्यात्मिक बुद्धि ज्यादा तेज बनती है। शास्त्र को पढ़ने से आपका आध्यात्मिक जीवन ज्यादा मजबूत बनता है। जैसे कि आप अगर विटामिन खाओ, विटामिन खाते हो तो सेहत अच्छी हो जाती है। कहते हैं आज लोग एडवर्टाइजमेंट देते च्यवनप्राश खाओ। तो शास्त्रों का पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। शास्त्र का अर्थ भगवान की वाणी। अरे भगवान की वाणी, भगवान ने शास्त्र क्यों दिए हैं? हम भक्तों को पढ़ने के लिए। और हमारा सौभाग्य क्या है कि इन शास्त्रों में, इन ग्रंथों में हमें प्रभुपाद महान आचार्यों का तात्पर्य भी प्राप्त होता है कि नहीं? अब भगवद्गीता का श्लोक पढ़ते हुए आगे तात्पर्य है, तो ये तात्पर्य को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका ये लाभ होगा कि आप भगवान की वाणी को, भगवान के अनुवाद श्लोकों को ज्यादा अच्छी तरह समझ पाओगे। तो इन शास्त्रों को हमें पढ़ना चाहिए अगर हम आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन करना चाहिए। क्योंकि जब आप आध्यात्मिकता में जुड़ते हो तो साथ में अनेक माया का सामना भी करना पड़ता है। माया का सदा ये प्रभाव रहता है आपको विचलित करने के लिए। और हमारी सुरक्षा कैसे होती है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरण और साधु संगत के द्वारा। श्रीमद्भागवतम के 3 स्कंद में आपको भगवान कपिलदेव जी की शिक्षा प्राप्त होती है। कपिलदेव भगवान की माता का नाम था देवहूति। तो देवहूति को पता था कि उनका पुत्र कौन है? स्वयं भगवान है। तो बेटे ने कहा, माता ने पूछा था प्रश्न जो हम सबको पूछना चाहिए। माता का प्रश्न ये था ये बताओ कि कैसे मुझे इस जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। तो बेटे ने कहा, शिक्षा दी, आगे बेटे ने कहा कि भक्तों की संगत में जब हम भक्ति के नियमों का पालन करते हैं तो उसके द्वारा माया के प्रति जो टेस्ट है, हमारा आकर्षण है, वो घटता है। अगर आप माया से बचना चाहते हो, आप लोग माया से बचना चाहते हो या नहीं? कौन कौन माया से बचना चाहते हो? सब, सचमुच। अच्छा, कह रहे स्वास्थ्य में सब कहेंगे बचना चाहते, नहीं आप बचना चाहते नहीं तो आप इधर क्यों आओ। तो अगर माया से बचना चाहते हैं तो हमें इस शिक्षा का लाभ उठाना चाहिए। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, देवेश गुणमाई मम माया दुरत है। आप अगर ये माया के प्रभाव, माया बड़ी बलवान है, तो अगर माया के प्रभाव से बचना चाहते तो क्या करना पड़ेगा? मेरी शरण में आना पड़ेगा। तो माया से बचने के लिए प्रभुपाद जी की कृपा से हम सबके पास हथियार भी हैं, हमें इसका लाभ उठाना पड़ेगा। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवणम का अर्थ है कानों से सुनो, भगवान ने दो कान दिए हैं, और कीर्तनम जीव से इसका उच्चारण करो, विष्णु स्मरणम मन से क्या भगवान का चिंतन करो। तो आप सबसे ये निवेदन है कि आप इस शिक्षा का लाभ उठाइए। आप देख रहे हो कि कलयुग कितनी तेजी के साथ बीत रहा है और दिन पे दिन क्या भौतिक स्थिति से भी जीना दिन पे दिन कठिन होते जा रहा है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नो प्लेस फॉर अ जेंटलमैन और जेंटलवुमन। ये जो भौतिक जगत है किसी समझदार व्यक्ति के लिए रहने का स्थान नहीं है। भगवान आपको निमंत्रण दे रहे हैं। क्या है भगवान का निमंत्रण? आओ मेरे धाम। कुंत जगत का अर्थ है जहां कष्ट ही कष्ट हो, और वैकुंठ जगत का अर्थ है जहां कोई कष्ट नहीं, कोई निराशा नहीं, कोई बेचैनी नहीं। जैसे राम राज्य के सभी, कुछ दिन पहले आप भक्तों ने रामनवमी मनाई थी, तो रामनवमी राम राज्य के समय समाज में कष्ट था, कोई मानसिक कष्ट नहीं, शारीरिक कष्ट नहीं, मृत्यु नहीं, बुढ़ापापन नहीं, कुछ नहीं, पूरा समाज सुखी था। तो कई बार लोग कहते हैं क्या इस कलयुग में ये राम राज्य का सुख प्राप्त हो सकता है? तो प्रभुपाद जी इस विषय में 8-9 स्कंद में कहते हैं, हाँ, राम राज्य का सुख इस कलयुग में भी प्राप्त हो सकता है अगर आप ये महामंत्र का उच्चारण करो। जैसे कि आप देखते हो गर्मी के मौसम में आप ठंड, अच्छा मौसम महसूस कर लेते हो कमरे में, क्या एयर कंडीशनर के द्वारा, और सर्दी के मौसम में हीटर द्वारा आप गर्मी का वातावरण पैदा कर देते हो। तो उसी प्रकार इस कलयुग में आप सतयुग का वातावरण उत्पन्न कर सकते हो ये महामंत्र के उच्चारण के द्वारा। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है, चेतना को शुद्ध बनाने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करो, श्रीमद्भागवत भागवतम को पढ़ो रोज, साधु संगत का लाभ उठाओ, भगवान के आर्य विग्रह की उपासना करो और धामवासी बन जाओ, या अपने घर को धाम बनाओ। और उन्होंने कहा कि घर को धाम बनाना कठिन नहीं है। घर में एक छोटा मंदिर बनाओ, यहाँ की जो भी भोजन बनाते हो पहले उसे भगवान के चरणों में अर्पण करो, फिर वो क्या बन जाता है? प्रसाद। भगवान गीता में कहते हैं, जो कि मुझे भोग लगाए बिना खाए वो केवल पाप खा रहा है। तो आप पाप खाना चाहते हो? आप में से कौन कौन से आप प्रसाद खाते हो? सभी। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, सभी केवल प्रसाद खाते हो। तो घर में छोटा मंदिर बनाओ, जो खाओ पहले भोग लगाओ। हमारे गुरुजी एक कथा सुनाते थे कि एक समय ठाकुर भक्तिविनोद जी, जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, उन्होंने भक्ति सिद्धांत जी को ये शिक्षा दी थी। भक्ति सिद्धांत जी हमारे परम गुरुजी, कि जो खाओ पहले भगवान को भोग लगा कर खाओ। तो भक्ति सिद्धांत जी एक समय 5 साल के थे और उन्होंने आम खा लिया भोग लगाए बिना। तो पिता ने कहा बेटा ये ठीक नहीं है, कुछ नहीं खाना चाहिए, भोग लगाई, गलत किया तुमने। तो भक्ति सिद्धांत जी ने जिंदगी भर आम नहीं खाया। उन्होंने कहा कि मैं जब 5 साल की आयु में मैंने एक अपराध किया था, तो जिंदगी भर उन्होंने, तो आप माता पिता को अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए बचपन से ही, क्या जो खाओ पहले भगवान को भोग लगाओ प्रसाद के रूप में। और माता पिता बचपन से ही शिक्षा देंगे तो बच्चे पलेंगे अच्छे वातावरण में। पर अगर हम टीवी को कहेंगे सब शिक्षा देने के लिए, जैसे आज के जमाने में हम देखते हो बच्चे बड़े होते हैं बुरे भावों के साथ। तो आध्यात्मिक जीवन जो है सरल है, इतना कठिन नहीं है। और जैसे आप साधारण भाषा में कहते हैं गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्व्स, कहते हैं ना भगवान उनका सहयोग करते हैं जो स्वयं प्रयास करें। इसी प्रकार भगवत गीता में कहा गया है कि जो प्रयास करते हैं मुझे समझने के लिए, उनमें अगर कुछ कमी भी हो तो भगवान क्या कहते हैं उसे मैं दूर कर देता हूँ। क्योंकि कई बार जब आप जुड़ते हो इस संस्था के साथ, जब आप सुनते हो 16 माला करो, 4 नियम का पालन करो, तो आपके मन में ये विचार आता है अरे हम कहाँ कर पाएंगे, ये हमारे लिए नहीं है ना, तो हम पीछे हटने का प्रयास करते हैं। पर अगर आप में श्रद्धा है और आप थोड़ा भी प्रयास करो तो भगवान आपका सहयोग देंगे इस भक्ति मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो संक्षेप में कलयुग बड़े दिन पे दिन भयंकर होते जा रहा है, ये तो शास्त्र कवि की भविष्यवाणी है। और आप सब सौभाग्यशाली हो क्यों आप इस संस्था के साथ जुड़े हो, ध्यान की आपको असली शिक्षा दी जा रही है, इसका कृपा करके लाभ उठाओ। और भगवद गीता में भगवान कहते बहु नाम जन्म अंते ज्ञानम मम प्रपद्यते, बहुत से जन्मों के बाद वो भाग्यशाली व्यक्ति है क्या जिसे ये बुद्धि प्राप्त होती है क्या कि मैं ही हूँ हर चीज का कारण। तो आप सब बड़े भाग्यशाली, कृपा करके इसका लाभ उठाओ। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा देते कह रहे थे ये भक्ति का बीज उगेगा जैसे साधारण बीज उगता है, जब आप उसे पानी पिलाते हो। तो भक्ति का बीज को उगने के लिए क्या श्रवणम कीर्तनम की आवश्यकता है। भगवान ने हमें एक जीभ दिए, 2 कान दिए हैं, इसका हमें क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। तो ये आप सबसे निवेदन, इस जीभ का लाभ उठाइए, कानों का लाभ उठाइए। हमारे संतों ने उदाहरण दिया है अगर हम इस जीभ का उपयोग करेंगे भौतिक चर्चा के लिए तो क्या परिणाम होगा, जैसे एक मेंढक खें 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 करके सांप को क्या सूचना देता है मैं यहाँ हूँ आओ काटो। तो आज हम खें 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 करते रहते हैं भौतिक चर्चा, और उसकी बजाय हमें क्या करना चाहिए भगवान के नामों से उच्चार। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे Rama Rama Hare Hare